नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं भगवान की कृपा पाने का मार्ग बताने। जी हाँ, इस संसार में कौन ऐसा है जो ईश्वर की कृपा नहीं चाहता। ये शरीर भी हमें ईश्वर की कृपा से ही मिला है और जो कुछ हमें मिला है उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन ईश्वर को अगर जिसने हमें सब कुछ दिया है, यहाँ तक ये मानव शरीर दिया है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? और हमारे जीवन में बहुत सारे दुख भी हैं, तो ईश्वर की कृपा हो जाए तो सर्व सुख जीव को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि भगवान क्या करने से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर व्रत उपवास की बात करें तो व्रत उपवास में वैसे तो ईश्वर को निर्मल मन सबसे अच्छा लगता है, लेकिन अगर व्रत उपवास में भगवान ने कहा है कि मैं तिथियों में एकादशी व्रत एकादशी तिथि हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस व्रत को करने से अगर जिसके संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, संतान संबंधी सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस व्रत को निर्जला और फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ये हर महीने में दो बार आती है। दोस्तों, ये तिथि जो एकादशी है, ये भगवान का स्वयं सबसे प्रसन्न सबसे शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाला करने वाला व्रत है और इस दिन पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो प्रति माह में जो एकादशी पड़ती है उसका महत्व होता है हर एकादशी का, लेकिन अगर बात करें पुत्रदा एकादशी की तो इसका और भी अधिक महत्व है। इस बार जो पुत्रदा एकादशी की तिथि पड़ रही है वो प्रथम है। पहली बार 2020 में 6 जनवरी को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि इस एकादशी का व्रत जो भी दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी करते हैं उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। पौष शुक्ल की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को आप चाहे तो बिना जल के या फलाहार किसी भी तरह से रख सकते हैं। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि किसी समय में भद्रावती नगर में एक राजा सुकेतु राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था शैव्या। उन दोनों के लेकिन कोई संतान नहीं थी। वो दोनों बड़े धार्मिक थे, लेकिन संतान न होने से उनके जीवन में उन्हें बहुत दुख लगता था। ऐसा लगता था कि बिना किसी पुत्र पुत्री के जीवन तो बेकार है गृहस्थ का। ऐसा सोच करके राजा ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन फिर सोचने लगा इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं है। अचानक फिर उसे वेद पाठ के स्वर सुनाई देने लगे। वो घर से निकल पड़ा, राज्य पाठ सब सौंप करके बन जाने लगा, लेकिन जब आगे बढ़ने लगा तो वेद मंत्रों की आवाज़ उसे वेद ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, तो वो उसी दिशा में बढ़ने लगा। साधुओं के पास पहुंचने पर उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत महत्व का पता चला। उन सब ऋषियों ने बताया कि हम आज पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। और फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी ने इस व्रत को किया मुनियों के कहने पर, जिसके प्रभाव से उन्हें 9 मास बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जिन वैवाहिक लोगों को संतान नहीं है या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है उनके लिए तो ये व्रत अति उत्तम माना गया है, और जिनके संतान है उनकी रक्षा के हेतु भी और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सभी शोक दुख का विनाश करने वाली इस एकादशी का व्रत करके लक्ष्मी की भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें और जीवन में धन धान्य प्राप्त करें। ये एकादशी तिथि जो है 6 जनवरी को 2020 में पड़ रही है। ये लग रही है एकादशी तिथि 3:06 से लेकर के एकादशी तिथि जो पूर्ण हो रही है वो 7
7 जनवरी को 4:01 पर, और जो इसका पारण करने का समय है वो 7 जनवरी को है। और इसके एकादशी तिथि जो द्वादशी तिथि लगने पर पारण करना चाहिए। पारण करने पर सबसे पहले एकादशी तिथि पूर्ण होने के पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, साधु संत को भोजन कराना चाहिए, जरूरतमंद को भी दान करना चाहिए और गाय को रोटी खिलाना चाहिए, मछलियों को आटा डालना चाहिए, चींटियों को कुछ मिष्ठान डालना चाहिए, पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए, संत ब्राह्मण को लेकर के फिर इस व्रत का पारण जो करता है उसकी भगवान श्री हरि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सभी इस व्रत को करें और श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त करें। नियम संयम से बिना निंदा झूठ चोरी ये जितने भी दुष्कर्म हैं उनको त्याग करके एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की कृपा ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जो कुछ नहीं भी प्राप्त हो रहा है वो भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ये एकादशी के फल का महत्व है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।